हमीरपुर जिले में रमजान के त्योहार को देखते हुए मिलावटी तेल की छापामारी से नगर में दुकानदारों के बीच मचा हड़कंप। अफरातफरी में दुकानदारों ने किया अपनी दुकानों का शटर बंद। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मारा छापा। 3 दुकानों से तेलों के नमूने लेकर उन्हें जांच के लिए भेज दिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि अगर तेल में किसी भी तरह की कमी पाई गई तो दुकानदारों पर की जाएगी कार्रवाई। मामला हमीरपुर जिले के राठ कस्बे का है, जहां पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी की टीम ने छापा मारकर 3 दुकानों से तेल के नमूने को एकत्र किया गया है, जांच के लिए भेज दिया गया है। खाद्य विभाग की टीम ने दुकानदारों को चेतावनी देते हुए कहा है कि नगर में लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ ना करो, वरना कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह अभियान आगे भी चलता रहेगा। खाद्य सुरक्षा टीम ने नगर की जनता को बताया कि जौनपुर में ड्रेप्सी के कारण 4 लोगों की मौत हो चुकी है। इन्होंने बताया कि जौनपुर की खाद्य विभाग की टीम ने सरसों के तेल में मिलावट पाई थी, इसी वजह से अपने जिले में हम किसी भी काले धंधे करने वालों को बख्शेंगे नहीं, जो चंद रुपयों के लालच में आकर हजारों जिंदगी से खिलवाड़ करते हैं। खाद्य विभाग की टीम ने नगर के लोगों से अपील की कि ऐसे लोगों पर हम सख्त कदम उठाएंगे, और आपको किसी पर शक हो तो हमें बताएं, हम आपके साथ हैं। किन चीज़ों का आपने सैंपल लिया है? अभी हम लोग तेल, खुले तेल की सैंपल ले रहे हैं। ये जौनपुर में ऐसे एक ही परिवार के 4 लोग मरे हैं ड्राफ्टी से, तो पूरे प्रदेश में एक अभियान के तहत जो है सरसों तेल का सैंपल लेकर के हम लोग जांच करा रहे हैं कि कहीं ड्राफ्टी के जो आर्जीमोन है, जो कारण आर्जीमोन है, वो तो नहीं है। तेल में किन किन प्रकार से मिलावट हो सकती है, जैसे आम जनता उस चीज़ को पहचान करना चाहे तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? मैं तो आम जनता से अपील यही कहूँगा कि वो खुले तेल न खरीदें, विशेष रूप से वो हमेशा ब्रांडेड जो पैक्ड आइटम है वही खरीदें, कम रहती है। खुले तेल में मिलावट की संभावना ज़्यादा रहती है। तो इन तेल के कारणों से आपने अभी जैसे सैंपल दिया, तो किन किन प्रकार की हानियाँ समाज को झेलनी पड़ रही, क्या क्या नुकसान? हाँ, सरसों के तेल में आर्जीमोन की मिलावट की ज़्यादा चांस होता है, जिसके वजह से एक ड्राफ्टी नामक बीमारी होती है। और अभी ये जौनपुर में ऐसा हुआ भी है, एक ही परिवार के 4 लोग ड्राफ्टी के कारण मर गए हैं, जिसके कारण पूरे प्रदेश में अभियान चलाया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।